लगदी न हो यो यो हनी सिंगर। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एंड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी योयो फैंस के लिए। तो आप सबको पता है कि कल योयो हनी सिंह पाजी ने एक खतरनाक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो फुल ऑन बॉडी पे काम कर रहे थे। उसके थोड़ी ही देर बाद बहुत सारे कमेंट्स आए उस पोस्ट पे, जैसे मिलिंद गाबा और उर्वशी राउटेला का। बट जो मेन कमेंट था वो गुरु रंधावा का था, जिसपे हनी पाजी ने खुद रिप्लाई करके कुछ ऐसा लिखा, गेटिंग रेडी फॉर आर वीडियो ओनली ब्रो। मतलब जो इन दोनों का सॉन्ग का शूटिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। यही नहीं, कल गुरु रंधावा ने रात में कुछ और वीडियोज भी शेयर करी थी, जैसे कि इसमें लिखा है कि विजन क्लीन एंड क्लियर। साथ में पोस्ट भी किया था ये वाला, और कैप्शन में आप पढ़ोगे तो लिखा है रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि योयो हनी सिंह और गुरु रंधावा का सॉन्ग जो कि वैलेंटाइंस डे पर आने वाला था, अब फाइनली उसकी शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अब एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि गुरु रंधावा अभी दुबई में है और हो सकता है कि उनके दो सॉन्ग्स की शूटिंग वहाँ पर हो, एक जो उनका सोलो सॉन्ग आने वाला है और एक शायद हनी पाजी के साथ वाला। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। और हनी पाजी का तो आपको पता ही है कि हमेशा शूटिंग से पहले जिम चालू करते हैं, इस बार भी सेम टू सेम बॉडी को शेप में लाने की तैयारी चल रही है। होप करते हैं कि जुलाई आने तक शायद इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाए। आपको क्या लगता है बताओ। और साथ में सिंगस्टा ने भी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ये डाला था जिसमें वो पूछ रहे थे कि उनके पिंपल क्यों आया है, जिसका करेक्ट आंसर था म्यूजिक वीडियो शूट। मतलब ये है कि योयो हनी सिंह और गुरु रंधावा के साथ साथ सिंगस्टा का सोलो सॉन्ग भी शूट होने वाला है। तो अगर आपको ये सुन के मज़ा आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सको। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।